सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम रविंदर सिंह है और आशा करता हूँ कि आप सबकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो चलिए गाइज, आज अभी शाम को आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आ गया है, जिनका भी हुआ है भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने दो पड़ाव पास कर लिए, एक छोटा सा पड़ाव रह गया है और वो कौन सा है, इंटरव्यू का है। तो अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो तो देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ मैं डेली बेसिस पे नाइट को फेस टू फेस इंटरव्यू लिया करूंगा, ठीक है। एंड रही बात जिनका नहीं हुआ भाई, तो भाई हारना नहीं है। देखो, अगर 1 साल 2 साल से नहीं हो रहा है तो गिव अप करना कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। आगे 5 साल 10 साल जाके बाद में पता चलेगा कि यार 1 साल में और अफर्ट कर लेता तो मैं पक्का डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो भाई कोई नहीं, नहीं हुआ तो गलती अपने में एक्सेप्ट करो। एंड अगर आपके पास कंटेंट की कमी है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी प्रैक्टिस कम थी और अगर मुझे कंटेंट और मिल जाता तो मेरा आराम से हो जाता, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा। एंड प्रैक्टिस करो और इस बार एक नहीं सारे बैंकिंग के एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं अपने रिजल्ट की, क्या मेरा रिजल्ट क्या रहा है। तो भाई मेरा नहीं हुआ है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जब एग्जाम दिया था बता दिया था कि एक सब्जेक्ट में मैंने ओनली 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे, क्योंकि अगर मैं सारे सब्जेक्ट करता तो मेरा हो जाता। ऑलरेडी मैं पीओ हूं, तो किसी की सीट खराब करना मतलब मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मैं आरआरबी से खुश हूं, या तो आरआरबी या कुछ और अच्छा होगा, नेशनलाइज बैंक में या किसी और बैंक में नहीं जाना है, ठीक है भाई। आप मेरा रिजल्ट भी देख सकते हो, मैंने ये स्क्रीन पे लगाया मेरा रिजल्ट। एंड चलिए मिलते हैं अपने। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ड्रॉइंग आपकी बैंकिंग प्रिपरेशन, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइज, बाय बाय।